केंद्र की मोदी हुकूमत जो आज बिजली कानून बनाने जा रही है बिल के रूप में पार्लीमेंट लिया जा रहा यह मोदी हुकूमत का सूबे के अधिकारों उपर एक होर वड्डा हमला क्योंकि जेडे बिजली आ भारतीय संविधान की समवर्ती सूची वो विशा पैंदा और सूबे ते केंद्र के बराबर के अधिकार आ पिछले लगभग दो साल तो असी बिजली सोध बिल के खिलाफ जी लड़ाई लड़ रहे हैं और दिल्ली मोर्चे दौरान भी उन्होंने ये जड़ा सीगा बिल वापस लैन का ऐलान किया सी और क्या सीगा कि जे दोबारा लिया जाऊगा तो सारिया के नाल संयुक्त किसान मोर्चे के नाल होर लोगों के नाल राय मशवरा करके लिया जाऊगा पर वो सारिया चीज़ों दरकिनार करके मोदी हुकूमत अपने तानाशाही और फासिस्ट तरीके अगे वधाउंदे आ सूबे के अधिकारों कुचल रही है। इस कानून के नाल होना की आ एक तो ये जिहड़ियां किसान मजदूरों कुछ सस्ती बिजली मिलती और सबसिडियां जिहड़ियां ने खत्म हो जाएगियां उन्हां नूं महंगी बिजली मिलेगी और कारपोरेट नूं जिहड़ी सस्ती बिजली मिलेगी इहदे तहत ही इलैक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी बनाउणा चाहुंदे आ जिस दे तहत जिहड़े सूबियां दे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होणगियां उह खत्म हो जाएगियां और केंद्र दी ही रेगुलेटरी अथॉरिटी चलेगी और जिहड़ा सिविल कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तक जिहड़े बिजली दे झगड़िया के मामले जांदे सी सुप्रीम कोर्ट तक की सारी पावर नूं खत्म करके सारिया पावर इलैक्ट्रिकल एनफोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट अथॉरिटी नूं जिहड़ियां ने वो दित्तियां जा रही ने और ये तहत ही जिहड़ा सरहदी व्यापार है बिजली का उन्होंने भी जिहड़ी इजाजत देना चाहते हैं उहदा मतलब यह होगा कि जो पूरी की पूरी बिजली प्राइवेट घराणियां दे कोले होगी तो वह जे किसी दूसरे सूबे दे विच दूसरे मुल्क दे विच उन्होंने महंगी बिजली मिलती विकती हैगी साढ़े लोगों हनेरे दे रख के बिजली जी उधर दिती जाऊगी और ये तहत ही जिहड़ा भारी जुर्माने लाने का और जेल च भेजन जी व्यवस्था हैगी जिहड़े लोग बिजली का बिल जिहड़े नहीं तार सकणगे पर ये नहीं गा कि जिहड़े पहला करोड़ा रुपए बिजली की करोड़ा रुपए की बिजली चोरी कर रहे बिल नहीं तार रहे गए वड्डे इंडस्ट्रियलिस्ट या कारपोरेट नूं जेल नहीं भेजा जाऊगा ये आम किसानां ते मजदूरां नूं ते आम वध वर्ग नूं जिहड़ा जेल भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इस करके इस कानून के खिलाफ समुचे लोगों नूं डटना चाहिदा आम लोगों लई बिजली महंगी होगी और पूरी तरह जिहड़ी आ कारपोरेट के हत्थां विच ये चली जाएगी।